कुछ सदस्यों ने बात के अंदर दादा धैर्य से सुनना पड़ेगा, अंत में बताऊंगा, तब तक आप टोके बगैर बैठे। मान्यवर, कुछ कानूनी और संवैधानिक मुद्दे खड़े कर दिए। पहले एक मॉरल बात लाए कि भाई जिस कानून के अंदर आप अमेंडमेंट लेकर आए हो वो कानून ही कोर्ट के सामने चैलेंज में है। मसूदी साहब तो हाई कोर्ट के जज रहे, विद्वान न्यायाधीश रहे हैं, अधिवक्ता अच्छे ही होंगे तभी तो जज बने होंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, धारा 370 भी काफी साल तक चैलेंज में रही, क्यों नहीं रोका उसको? जब चैलेंज में थी तो धारा 370 को क्यों नहीं रोका गया? और आज आपको कानून की मर्यादाएं याद आ रही हैं, फिर भी मैं स्पष्टता करना चाहता हूं, आपकी ही पिटीशन है, आप पिटीशनर हो, इस पर स्टे मांगा गया था, स्टे पर बहस हुई, न्यायाधीशों ने सुनवाई करके स्टे देने से इनकार किया, स्टे देने से इनकार किया। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यहां बोल रहा हूं, कोई स्टे नहीं है। कहा कि हम समाज करने के एडमिट किया, जो एडमिट खुद ही होता है कि नहीं नहीं नहीं, नहीं एडमिट होने से कुछ नहीं होता, स्टे करना पड़ता है, ऑर्डर में स्टे करना पड़ता। मान्यवर, जब तक आप तो जज रहे साहब, ऊपर वाले से तो डरिए, फारूक साहब से इतना मत डरिए। मान्यवर, पिटीशन एडमिट होने से किसी को डराता नहीं, फिर भी डरते हैं, बोलिए। मेरा काम डराना नहीं, आप लोगों का काम है डराना, हम डराते हैं। मान्यवर कहा है उसका जवाब मैं आपके बाद दूंगा। नहीं दे सकते आप, नियमों के अनुसार नहीं दे सकते। मान्यवर, जब कोई भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता है, अगर सुप्रीम कोर्ट उसको स्टे नहीं देता है तो तब तक यथास्थिति बनती है, और यथास्थिति ये है कि राष्ट्रपति महोदय ने इसको कानून को बनाने का काम पूर्ण कर दिया है, ये यथास्थिति है। इसके लिए मैं इसके अंदर अमेंडमेंट लेकर किसी भी समय पर आ सकता हूँ। और ये जो है मान्यवर, उसके बाद कहा गया मनीष तिवारी जी के द्वारा कि अनुच्छेद तीन में कहीं पर भी यूटी का प्रावधान नहीं है। अब मैं, मान्यवर, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, बहुत बड़ी बात मान्य सदस्य ने करी है, मैं अनुच्छेद तीन इस सदन में पढ़ना चाहता हूँ। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, ये अनुच्छेद का मूल चीज है। इसके अंदर आगे क, किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करने अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण देश की संसद कर पाएगी। अब इन्होंने कहा यूटी नहीं है, यूटी का इसमें प्रोविजन नहीं है, मगर शायद उन्होंने पूरा पढ़ा नहीं या जानबूझकर आगे उन्होंने सदन को बताया नहीं। इसी के नीचे आर्टिकल 3 के नीचे ही स्पष्टीकरण है, इस अनुच्छेद के खंड क से ड में जिसमें सारी चीजें आता है, राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र समाहित है, तो वहां पर राज्य मींस संघ राज्य क्षेत्र अपने आप हो जाता है। तो ये इनको, मैं मनीष जी को थोड़ा स्पष्टता करना चाहता हूं कि इतना बड़ा गैरकानूनी काम, कम से कम
नरेंद्र मोदी सरकार नहीं कर सकती, ये कोई इंदिरा गांधी की सरकार नहीं है जो इस प्रकार के कानून लेकर आए। भाई अभी बहस नहीं हो सकती, बाद में मैं आपको सवाल, मैं बाद में आपको मौका दूंगा क्वेश्चन पूछने का, अभी बैठ जाइए, मैं बाद में आपको, नहीं नहीं मगर प्रश्न देखिए मनीष जी, मैं प्रश्न ले सकता हूं, मैं महोदय को अभी कहता हूं, बाद में मनीष जी का प्रश्न, चलिए ये भी नियमों के अंदर है मान्यवर। बाद में उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 3 के परंतु को निलंबित करके राष्ट्रपति शासन डाला, क्योंकि ये प्री डिजाइन था। मान्यवर मेरे पास लिस्ट है, आंध्र प्रदेश में राष्ट्रपति शासन 1973 में डाला, हम नहीं थे, कांग्रेस की सरकार थी, परंतु निलंबित किया गया था। अरुणाचल में डाला गया, परंतु निलंबित। 81 में आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार, परंतु निलंबित किया था। 1990 में परंतु निलंबित किया था। बिहार 1969 कांग्रेस सरकार, परंतु निलंबित किया था। 72 परंतु निलंबित किया था। 1977 परंतु निलंबित किया था। 69 बिहार, फिर गोवा 1990 परंतु निलंबित था। 1990 परंतु, मेरे पास लगभग 27 राज्यों के 70 से ज़्यादा है, एक में भी वो परंतु निलंबित करे बगैर राष्ट्रपति शासन नहीं डाला गया है। एक एक मिनट मानिए, ऐसे टाइम तो मैं दूंगा ना, प्लीज मान्यवर, मैंने कहा उनको मैं जवाब सवाल पूछने दूंगा, वो क्यों इतने विचलित हो रहे हैं। के प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन की लैंग्वेज अलग है, मैं आपको अभी डेमोंस्ट्रेट कर सकता हूं, मैं अभी पढ़ के सुनाता हूं, मैं अभी पढ़ के सुनाता हूं। इस पर बहस ही नहीं है, लैंग्वेज क्या है, इस बहस इस पर है कि अनुच्छेद 3 के परंतु को, जिसमें असेंबली का पावर यहां पर आता है, उसको निलंबित किया गया है या नहीं गया, एक लिमिटेड क्वेश्चन पर हम है, कहां है बात ही खड़ी होती है। माननीय अध्यक्ष जी मुझे संरक्षण दीजिए, ऐसे नहीं हो सकता बिल का जवाब। नो माननीय गृहमंत्री जी, आपका रिकॉर्ड भी नहीं जा रहा है इससे। माननीय गृहमंत्री जी, मान्यवर आप प्लीज मुझे व्यवस्था दीजिए, ऐसे बिल का जवाब नहीं दिया जा सकता, ऐसे महत्वपूर्ण बिल का। एक 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 मिनट, नो माननीय, मैंने आपको कहा आपको सवाल पूछने का मौका दूंगा, प्लीज माननीय गृह मंत्री जी। आप प्लीज नो माननीय राम कृपाल जी, प्लीज माननीय मनीष तिवारी जी, प्लीज। मान्यवर ढेर सारे सदस्यों ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की चिंता का जिक्र किया, वो चिंतित भी थे, अच्छी बात है, चिंता हो रही है, होनी भी चाहिए, सभी को होनी चाहिए। उन्होंने सीधा सीधा इसको आर्टिकल 370 को निरस्त करने से जोड़ा। उन्होंने क्या क्या हुआ, अब भी आतंकवाद चल रहा है, उन्होंने क्या क्या हुआ, अभी कुछ दिन पहले सेना के कुछ जवान शहीद हो गए, ऑफिसर जवान शहीद हो गए, कुछ घटनाएं भी हुई। मान्यवर किसी ने भी नहीं कहा था कि आर्टिकल 370 जाने के बाद कश्मीर में आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। सुनिए ना, सुनिए, अरे भाई सुनो ना, मैंने कहा था आतंकवाद का मूल आर्टिकल 370 के कारण खड़ा हुआ अलगाववाद की भावना है, आर्टिकल 370 जाने से अलगाववाद में बहुत बड़ी कमी आने वाली है और इसके कारण आतंकवादी भावनाओं में कमी आएगी, रिकॉर्ड की बात है भाई। अभिनंदन जी, अब मैं बताता हूँ, मान्यवर
1994 से 2004, इसमें शासन पर मैं नहीं जा रहा, कालखंड बोल रहा हूं, कई शासन आए हैं, टोटल आतंकवाद की कुल घटनाएं 40,164 हुई, छोटी छोटी घटनाएं भी है, कुछ बड़ी भी है। 2004 से 14 मनमोहन सिंह सोनिया जी के शासन का समय, आतंकवाद की घटनाएं 7,217 हुई, 7,217, और नरेंद्र मोदी सरकार में 14 से 23 तक सिर्फ 2000 हुई, 70% की कमी आई है। और मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करना मांगता हूं कि ये जो 2,197 आई है, इसमें से ये घटना का जिक्र है, 65% घटनाएं पुलिस की गई कार्यवाही के कारण अकर हुई है। मतलब कोई जगह पे सूचना मिलती है कि आतंकवादी छिपा है, पुलिस इस पर हमला करती है तो भी वो आतंकवादी मुठभेड़ मानी जाती है। इस प्रकार की 70% कमी आई है 2004 से 14 में और 14 से 23 में नागरिकों के मृत्यु के अंदर 72% की कमी आई है, और सिक्योरिटी फोर्सेस के मृत्यु के अंदर 59% की कमी नरेंद्र मोदी सरकार। इसलिए मैं कहता हूं, मैं ठीक ही कहता था, अलगाववाद की भावना का मूल, उसका उद्भव स्थान आर्टिकल 370 है, वो जाएगा, अलगाववाद की भावना भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खत्म होगी और आतंकवाद भी खत्म। और कल पथराव की बात करते, मैंने 2 साल लिए हैं साहब, 2010 2654 पथराव की घटनाएं हुई थी, 2010 में, 2023 में 0, एक भी पथराव हुआ थी। ऑर्गेनाइज हड़ताल, जो कॉल देकर पाकिस्तान से कॉल देते थे इनके आका, और कश्मीर की वेली और जम्मू बंद हो जाते थे, 132 ऑर्गेनाइज हड़तालें हुई थी 2023 में, एक भी हड़ताल नहीं, एक भी बंद। मान्यवर, पथराव में नागरिकों की मृत्यु 2010 में 112 हुई थी, 23 में क्योंकि पथरावी नहीं हुआ है, नो इंजर्ड नो डेथ। मान्यवर, सिक्योरिटी फोर्सेस पथराव के कारण 6,235 हुए थे इंजर्ड सिक्योरिटी फोर्सेस, और इस बार क्योंकि पथरावी नहीं हुआ है, 0 इंजर्ड है। क्या बदला हुआ है, इनको मैं कहता हूं क्या बदला हुआ है, अरे इसी सदन में रहकर सारी मर्यादाएं तोड़कर अगर धारा 370 खत्म हुई तो खून की नदियां बह जाएगी कहते थे, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है किसी की, इस तरह की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी सरकार। और मान्यवर, सीज फायर के वायोलेशन की घटना 2010 में 1 साल में 70, 2023 में 2, घुसपैठ 2010 में 400 निवासी, 2023 में सिर्फ 48, आतंकवादी मारे गए 112 मारे गए थे, कुल मिलाकर एवरेज निकाल दे तो 278 आतंकवादी मारे गए हैं। मान्यवर, वापिस लौट गए, पहले 18 वापिस लौटे थे, अब 281 वापिस लौट गए हैं पाकिस्तान। मान्यवर, और वो ऐसे ही नहीं हुआ है, जम्मू कश्मीर की लोगों की सुरक्षा और इनके जीवन की क्वालिटी सुधारने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने अथक परिश्रम किया है। मान्यवर, गृह मंत्रालय हर माह यहां पर सिक्योरिटी रिव्यू करता है, और हर 3 माह में मैं वहां जाकर सिक्योरिटी रिव्यू करता हूं। मान्यवर, एक जीरो टेरर प्लान बनाया गया है जिसको हमने इम्प्लीमेंटेशन में लाया है, 3 साल से वो प्लान एक्शन में है। मुझे पूरा भरोसा है मान्यवर कि 24 के बाद फिर से मोदी जी आने वाले हैं, 26 आते आते जीरो टेरर प्लान 100% इम्प्लीमेंट होगा। मान्यवर, इसके साथ साथ कंप्लीट एरिया डोमिनेशन का प्लान बनाया है, वो भी 2026 तक समाप्त हो जाएगा।
और पहले सिर्फ टेररिस्टों को मारते थे, हमने इसकी इकोसिस्टम को खत्म किया है। इसके साथ साथ टेरर फाइनेंस पर इकोसिस्टम को खत्म करने के लिए केस किए, एनआईए ने 32 केस किए जिसमें कुछ पार्टियां बड़ा अरण्य रुदन कर रही है, हाय तोबा कर रही है, क्यों केस हो रहे हैं, क्योंकि इसलिए केस हो रहे हैं कि पाकिस्तान से पैसा आ रहा है, ये परमिटेड नहीं है, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, ये नहीं चाहिए।